हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार, शुएब का व्लॉग जो है वो आया है अभी, जो है वो रज़ा का व्लॉग, सॉरी, सबा का व्लॉग भी आ गया, जिसमें रज़ा के पापा जो हैं वो आए हैं। तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने वीडियो देखी नहीं है ना, मेरे पास कल से थोड़ा बिजी चल रही हूँ, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हुआ हुआ है, तो टाइम ही नहीं था। देन अभी मैंने शुएब का व्लॉग कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा सा सबा का व्लॉग देखा है, ज़्यादा नहीं देखा। तो पहले मैंने कहा शुएब के व्लॉग को थोड़ा सा जो है वो रिव्यू कर लिया जाए। अच्छा, शुएब के व्लॉग में रिव्यू करने को इन द सेंस इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर रूहान को दिखा रहा होता है, और रूहान को लेकर मैं कोई बात नहीं करना चाहती सीरियसली, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं रूहान को लेकर, रूहान अब नॉर्मल है, ये है, वो है, लेकिन मैं किसी के बच्चे को लेकर नहीं बोलना चाहती यार। और इसीलिए जो है वो, अगर आप कोई भी रिव्यूवर्स देखो जो उनको रिव्यू कर रहे हैं, वो शुएब के व्लॉग पर इतना रिव्यू नहीं करते, क्योंकि वो दिखा ही बच्चे को रहा है। अब वो दिखा के बच्चे को कॉन्टेंट ले रहा है। अब देखो, वो भले अपने कॉन्टेंट को अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके बच्चे को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, या उसके बच्चों को अब नॉर्मल कहा जाता है अगर वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखाता है। लेकिन शायद हम में एहसास है भाई, हम में बहुत एहसास है कि हम किसी के बच्चे को ना बेकार का ट्रोल करें, और ना उसको अब नॉर्मल किस्म का कोई बिहेवियर का हम उसको दें कोई किस्म का। बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके व्लॉग में सिर्फ रूहान को लेकर, जो ज़बरदस्ती के जो किस्म के, क्योंकि लोग उसको कमेंट करते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा रिएक्ट नहीं करता, तुम्हारा बच्चा नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उस नॉर्मल ग्रोथ को दिखाने के लिए पूरा टाइम फोकस लगा के रखता है कि मस्ती क्या मस्ती कर। अच्छा, अभी एक मैंने सीन देखा जिसके अंदर वो वापसी जब रिटर्न आते हैं घूम फिर कर, तो उसमें वो बैठा हुआ है, अच्छा वो खामोशी से बैठा हुआ है, उसकी तरफ कैमरा करके बोलता है क्या मस्ती कर रहा है। अरे भाई, वो कर क्या रहा है, मतलब वो अब शांत भी ना बैठे, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया था, वो बेचारा बच्चा खामोशी से बैठा हुआ था, एक आवाज़ नहीं थी उसकी चूँ की, और वो बोलता क्या मस्ती कर रहा है, मतलब कि सीरियसली अगर वो बोल सकता था ना, तो उसको बोलता अबे अंधे देख तो सही मैं किधर बैठा हूँ, खामोश बैठा हुआ हूँ। सीरियसली वो उसको यही बोलने वाला था, मतलब कि यार कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी करना होता है। बाकी उनके व्लॉग में वही चीज़ें, दीपिका के अंदर काफ़ी अच्छा चेंज दिख रहा है, लेकिन वो जो रेड लिपस्टिक लगाई है वो थोड़ी सी ओवर थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दीपिका को समझाओ, ओवर रिएक्शन बंद करे अपना, ओवर जो है वो अब इतनी ज़्यादा ओवर होती हुई अच्छी नहीं लगती, ये नहीं लगती, एज के मुताबिक ओवर हुआ जाता है, ये हुआ जाता है, वो उसकी आदत है। मैंने हमेशा कहा कि वो ओवर एक्साइटेड है, और वो शुरू से ओवर एक्साइटेड, मतलब एक होता है नॉर्मल एक्साइटमेंट, एक होता है ओवर एक्साइटेड। और आपको व्लॉगर्स जो होते हैं ना, डेली व्लॉगर्स, वो आपको ओवर एक्साइटेड ही दिखेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे आम जैसे रिएक्शंस नहीं दे सकते, वरना कौन देखेगा इनको। अगर वो ओवर एक्साइटेड नहीं दिखेंगे, अगर वो ओवर रिएक्शन नहीं देंगे, तो कौन देखेगा उनको, उनके ओवर रिएक्शन पे ही तो उनको रिएक्शन मिलते हैं ना, उनको व्यूज मिलते हैं। आप जितने भी व्लॉगर्स उठा लो, कोई भी व्लॉगर उठा लो, वो आपको ओवर एक्साइटेड मिलेगा, आपको ओवर रिएक्शन वाला मिलेगा कि इंतहा से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा चीज़ों को देखकर, इंतहा से ज़्यादा खुश हो जाएगा। हालांकि नॉर्मल बंदे, हमें अगर कोई सरप्राइज़ देते तो हम इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करते, हम थैंक यू सो मच नॉर्मल सा जो बिहेव होता है वो करते हैं, देन हम उछलते कूदते नहीं है कि उस ऊपर ज़मीन से लेकर आसमान तक उछल कूद कर रहे हो, हमारा ये सीन नहीं होता। हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल रूटीन वाले बंदे, हंसी मजाक भी करते हैं, उछल कूद भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल होता है, मतलब हर वक्त का नहीं होता है कि हर वक्त, लेकिन उनको हर वक्त कैमरे में देखना, उनकी तो ज़िंदगी कैमरों से, तो वो उनके लिए ओवर एक्साइटेड आपको हर व्लॉगर मिलेगा। तो इसलिए जो लोग दीपिका को बोल रहे हैं कि वो ओवर एक्साइटेड करती, वो ये करती है, वो करती है, तो वो तो ऑब्वियसली वो करती है, वो तो उसका है, क्योंकि वो उसकी कमाई है, एक तरीके कमाई का जरिया है, ठीक है ना। मेन मसला क्या होता है कि ये लोग फेक चीज़ों को बोलते हैं, हम रियल है, हम नो फिल्टर है, नो फिल्टर वाले नहीं हो भाई, फिल्टर फुल ऑन तुम्हारी लाइफ फिल्टर में जी रही हो, तुम पूरे लाइफ फिल्टर में जी रहे हो, तो वो फिल्टर वाली लाइफ है, ठीक है। बाकी एक चीज़ अच्छी लगी दीपिका के अंदर, जो चेंज आया मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके अंदर वो चेंज बहुत टाइम बाद जाकर आया, बहुत टाइम बाद जाकर, लेकिन वो चेंज उसके अंदर देखने को मिला है, जो लोग मिस कर रहे थे उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, कि यार वो कहाँ खो गई है, मतलब रूहान से पहले वो बिल्कुल ही खो गई थी, लेकिन वो चीज़ देखने को मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसका लुक चेंज करना। मैं देखो, जब हम उनको एज अ रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर हमें उनकी अच्छी चीज़ को भी सराहना चाहिए कि उसने चलो बहुत टाइम बाद अपने आप को समेटा है, लेकिन अच्छे से समेट रही है अपने आप को, अपने वेट पे ध्यान दे रही है, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रही है। अब वो डिप्रेशन से बाहर आती हुई भी नज़र आ रही है, पहले जो उसकी हंसी थी ना वो फेक हंसी थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हंसी थी, मतलब वो वाकई फील होती थी कि वो वाकई डिप्रेशन में, लेकिन अब वो चीज़ उसकी नज़र आ रही है कि नहीं, वो अपने आप को ओवरकम कर रही है चीज़ों से, उसको वो चीज़ समझ आ रही है कि उसको खुद बाहर निकलना है, अपने आप को डिप्रेशन से इन सब चीज़ों से खुद बाहर निकाल सकते हो। बेकार का ट्रोल तो मैंने करना नहीं कभी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि वो एक अच्छा इसके अंदर चेंज नज़र आ रहा है, एक डिप्रेशन से बाहर आती हुई नज़र आ रही है, अपनी हंसी पे जो उसकी रियल है वो, भाई देखो किसी की हंसी पे वो करना कि वो इतने ज़्यादा फेक, जब वहाँ जब वो बहुत ज़्यादा अजीब हंस रही थी, तब हमने बात करी थी कि बहुत ज़्यादा अजीब करी है, जो फेक नज़र आ रहा है हमको, जो फेक वो चीज़ें दिखा रही है वो फेक दिख रहा है। अभी वो अपनी ज़िंदगी में वापसी आती हुई नज़र, मुझे वो दीपिका नज़र आ रही है जो आज ससुराल से मरमर के टाइम पर थी, भले वो 100% नहीं, लेकिन उसका 10% उसमें वापसी वो चीज़ नज़र आई है, कि उसने अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करी है। जब तक अपने आप को खुद इंपॉर्टेंस नहीं,
करोगे आपको ज़िंदगी में आपका हस्बैंड भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा सीरियसली। तो अपने आप को खुद इंपॉर्टेंस दो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने हर जगह मैं करो का मैं नहीं, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस को रखो उनकी ज़िंदगी में, कि तुम हो किसी की ज़िंदगी में मायने। अपने आप को बेमायने ना बनाओ, किसी के लिए भी बेमायने ना बनाओ, चाहे वो आपका हस्बैंड हो ना उसके लिए भी बेमायने ना बनाओ। अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ उनको कि मैं हूँ इंपॉर्टेंट। अगर तुम बेमायने कर देंगे ना, अगर की लड़कियाँ बेमायने कर देती ना अपने हस्बैंड के सामने, उनकी कदर नहीं की जाती यार। हर कोई कदर करने वाला नहीं मिलता, इसीलिए अपनी कदर खुद करवानी पड़ती है। लेकिन कदर करवाने का मतलब नहीं है कि बेवजह की लड़ाइयाँ या बेवजह के गुस्से या जो है वो बेवजह का जो है वो अपना जो ना अपना मैं दिखाना नहीं। कदर करवाने के भी और बहुत से तरीके हैं। आपको कदर करवानी है, आप अपने हस्बैंड से कदर करवाओ, अपने रिश्तों से कदर कराओ, अपने आप को खुश रखो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, लोग आप अपने आसपास के लोगों को खुशी दो जो कि चीज़ दिखी है। लेकिन उनकी एक तरफ ही अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत शॉर्ट आउट हो रहे, तो दूसरी तरफ वो दूसरे रिश्तों को बहुत छोड़े, जो रिश्तों का ज्ञान दे रहे वो उनको बहुत छोड़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे अभी जब कपड़े वाला सीन हुआ तो वो काफ़ी बेजार नजर आया शुएब के, वरना पहले तो नीचे जाकर एक एक को कपड़े बांटे जाते थे, कुछ सूज को चॉइस रख दिए जाते थे कि देखो ये कलर्स हैं, आप में से कौन कौन कलर लेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी क्या करा शुएब ने ही करा, वरना पहले दीपिका करती थी ये काम। शुएब ने क्या करा, शुएब ने अम्मी को सूट पकड़ाए, अम्मी को कहा ये सूट लो और ये सूट लेकर आप जो है ना वो ये आपका है, और उसके बाद जो है ना बाकी जिसको जो चाहिए उसके बाद जो बचे वो ऊपर भेज देना। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा था ये अपने रिश्ते। देखो ये चीज़ें इनके इसमें व्लॉग्स में पहले नज़र आती नहीं है, इसलिए ये चीज़ें नोट हो जाती हैं। तो ये चीज़ इनकी नोट हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब बिहेवियर लगा इनके अपने जो है ना लोगों को लेकर। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है रुकैया को जो है ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें है यार। देखो वो एक नेचुरली चीज़ें हैं, मैं इधर दीपिका या शुएब को गलत नहीं कहूँगी। देखो एक नेचुरली चीज़ें हैं, जिसके भाई ने ये किया हो ना, जिसके सगे बाप ने ये सब किया हो, तो ऑब्वियसली एक अजीब सी झिझक आ जाती है उस बंदी से बात करते हुए भी कि यार गलती उसकी नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि उसकी गलती नहीं है, अगर उसके बाप ने या भाई ने किसी किस्म के एलिगेशंस लगाई या इनके बीच में अनबन है उनके बाप भाई के साथ, तो गलती इसकी नहीं है। लेकिन एक झिझक आपको पाई जाएगी, ये एक ह्यूमन बींग की निशानी है, ठीक है ना। तो उसमें ना दीपिका शुएब गलत है, रुकैया का मुझे समझ में नहीं आता कि वो फिर भी क्यों आई है यहाँ पर, जबकि उसको पता है कि चीज़ें जो है वो नहीं है सॉर्ट आउट वाली। अभी रिसेंट अभी इतना सारा जो है वो बवाल मचा है, सारी चीज़ें वो नहीं नज़र आई है, तो उस चीज़ से सभा से भी काफ़ी जो है वो नाराज़ सी ही फीलिंग आती है मुझे उनको देखकर। क्योंकि अभी भी सभा की जब सभा की जो है वो बहन की जब ससुर की डेथ हुई है, तो कोई किस्म का फ़ोन नहीं गया, कुछ नहीं गया। अभी जब ये लोग हज पर गए तब भी कोई फ़ोन नहीं गया, कोई चीज़ों की उन्होंने सौगात को इतने भेजी नहीं की नहीं, मतलब यार दी जाती है किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी के ससुराल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। एज अ व्लॉगर अगर आप बन गए, एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर रिश्ते से आरी हो चुके हो। रिश्तों को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब रिश्तों को अपने घर में ले जाके बंद कर दो कि हाँ हमने सबको रिश्तों को पाल तो रहना, हम सबके घर पाल रहे हैं, ये पाल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी किसी ने नोट किया कि दीपिका की अम्मी मुझे नज़र नहीं आई है, किसी ने देखी है? या मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग मैं स्किप कर करके देखती हूँ, तो शायद मैंने देखी ना, क्योंकि थोड़ा व्लॉग मैंने इस दफ़ा वाला स्किप करके मैं बोर हो जाती हूँ यार सीरियसली। मतलब रोहान को मैं कितना ज़्यादा बंदा देखकर ऑब्जर्व करेगा किस चीज़ों को, मैं नहीं चाहती उसको ऑब्जर्व करना सीरियसली। मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा क्लब देखती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्यूट हो गया माशाल्लाह, वो काफ़ी क्यूट हो गया, काफ़ी अच्छी उसके अंदर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, बट लेकिन मैं उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करती। तो रुकैया का मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि वो क्यों इधर है, क्या है इन रिश्तों को। अभी देखो अभी वो जो अभी रिजा के फादर भी आए हैं, वो भी आकर जो है वो यहीं पे रहेंगे। मतलब एक 2 BHK के घर में तुम कितने लोगों को भरोगे, क्या करोगे, मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा। मतलब एक 2 BHK का घर है सिर्फ इसलिए ये दिखाना कि हम अपने रिश्तों की कितनी कदर करते हैं। यार घर में भरना रिश्तों की कदर नहीं होता है, हमारी भी खालाएँ हमारी भी फुफियाँ, हम उन सबको घर में भर के नहीं रखते हैं अपने रिश्तों की कदर दिखाने के लिए। एक नॉर्मल बंदा सबको घर में भर के अपने रिश्तों की कदर दिखाने के लिए नहीं रखता, रिश्तों को निभाना होता है जो वक्त पर निभाए जाते हैं। आप जब कुछ होता है, जब किस्म की कोई हरकत होता है, जब अभी ये देखो जब ये आना जाना हुआ बहन के ससुराल में, सारी चीज़ें हुई, तो इनकी घर की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। मतलब ससुराली रिश्तों को निभाना ही नहीं है, तो वो चीज़ बहुत बड़ी सवाली निशान है कि ससुराली रिश्ते निभाने ही नहीं है अपने जो है वो। मैं अभी ये देख लो, अभी जो सभा की जो अम्मी है उनके भी ससुराल से कोई लिंकअप नहीं होता, हालांकि उसकी पुप्पो जो है हर दफ़ा गिफ्ट्स भेजती, कभी भी मैंने उनको भेजते हुए नहीं देखा है कुछ इतना कुछ भी। तो ये चीज़ें सवाली निशान बनती है कि आप रिश्तों को निभाने के नाम पर सिर्फ लोगों को घर में भरना जानते हो, बाकी ये जो निभाना होता है वो नहीं निभाते। बहरहाल और कोई किस्म का जो है वो मेरे पास नहीं था, मतलब उस व्लॉग में रिव्यू करने के लिए। बाकी ट्रेन से आए हैं, काफ़ी मैंने देखा कि ट्रेन पर भी रिव्यू हुआ
के ट्रेन से आए हैं, आदिवासी ने जो है वो प्रमोट नहीं किया, सिर्फ प्रमोशन के लिए उनको बुला, सॉरी उनको जो है वो टिकट रिस्पॉन्सर नहीं की, सिर्फ जब अपना काम था तो वो बुला लिया और वापसी की टिकट जो है वो उन्होंने, ये कोई ट्रोल करने की बात नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल च्वाइस है, सीरियसली उनको जो है वो फ्लाइट से नहीं जाना और वो अपने ट्रेन से गए, तो वो उनकी अपनी पसंद है यार, ट्रेन और फ्लाइट मायने नहीं रखती। ठीक है देखो, तो ये लोग बहुत कम जाते हैं, सीरियसली बहुत कम जाते हैं, अपने आप को टाइम बहुत कम देते हैं ये लोग सब अपने, पर सबा तो हर दूसरे दिन घूमती रहती है, सबा को तो काम ही यही है, जबकि अच्छा मुझे एक टाइम पर लगा कि उसने कहीं कहीं जो है ना वो उसको सबा को जो है ना वो बेल डाला है, मतलब कि आपको याद होगा वो जो डिटॉक्स वाटर लेके बैठा, तो उस पर क्या कहा कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ कुछ नहीं खा लेते, सब कुछ जो मिलता है कुछ का कुछ नहीं खा लेते, मतलब हम काफ़ी एक मील जो है वो हम अपना अच्छा लेते हैं ताकि हम जो है नॉर्मली नॉर्मल मील लेते हैं, तो ये चीज़ उसने कही, जो कि वाकई मुझे इनके व्लॉग्स में हेल्थ कॉन्शियस लगता है, जो कि दीपिका भी है और खुद शुएब भी है, दीपिका भी काफ़ी हद तक है क्योंकि वो भी हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है वो फूडी है लेकिन वो अपनी डाइट पर अपने आप पर कंट्रोल कर जाती है कि यार नहीं मेरा वेट मोटा हो गया, अगर उसको कोई काम नहीं भी करना वो तब भी होती है अपने आप को रखती है, थोड़ा सिलेमेंट स्मार्ट नहीं रखती लेकिन अपने आप को फिट रखती है, जो कि अच्छी चीज़ है, और मुझे इनके व्लॉग्स में हमेशा ये चीज़ दिखी है कि वो अपने आप को हेल्थ को प्रमोट करते हैं, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स दिखते हैं, क्योंकि अच्छे व्लॉग्स इसलिए आजकल दिख रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ रूहान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बाकी वो कुछ भी आसपास का नहीं दिखा रहे हैं, बाकी बहुत कुछ है जिस पर माइनस हो जाती है, जिस पर इनकी चीज़ें नहीं दिख रही है, बाकी चीज़ों को जब एक चीज़ अच्छी दिख रही हो तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं हम उसके पास्ट को ले लेकर हम उसको जो है वो गालम गलोच ही करें, ठीक है उसका पास्ट जो भी रहा, अभी फिलहाल रिसेंट इनके व्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं तो अच्छे व्लॉग्स पर अच्छी बात ही होगी, तो ये मुझे लगा कहीं ना कहीं जो है वो सबा को टॉन्ट मारा गया, मतलब कुछ भी है भाई वो कुछ भी खाती पीती रहती है, हर मील उसका जो है चीट मील बन रहा होता है, मतलब कि चॉकलेट इसकी मैं हाफ खाऊंगी, मैं ये करूंगी, भाई ये डाइट में हाफ वूफ नहीं मायने रखता, आपको बिल्कुल कट ऑफ करना है, ये नहीं है कि आप पूरा खा रहे हो तो आप उसको आधा कर दो, डाइट का मतलब उस चीज़ को रिमूव कर दो आप अपनी ज़िंदगियों से कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, अपने आप को एक चीट मील पर लेकर आओ, जो कि आपको वाकई, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, अगर आपको हेल्दी लेना रहना है तो ठीक है कि चलो आपने थोड़ा बहुत अपने पोर्शंस कंट्रोल किए, अगर आपका वेट ठीक है, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो फिर आपको चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ को हेल्दी लाइफ स्टाइल पर कन्वर्ट करके रह के चल सकते हो, जो कि बुरी बात नहीं है, ठीक है यार हर इंसान, मैंने कहा कि हर इंसान को सब कुछ खाने की चाह होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो 2400 घंटे जो है वो डाइट पर रह सकता है, 12 के 12 महीने डाइट पर रह सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता एक ह्यूमन बींग के लिए, तो बहरहाल ये था वो व्लॉग का रिव्यू, होप सो यू लाइक इट, बाकी और कुछ भी नहीं था उसके व्लॉग में, सीरियसली बस यही कुछ था, जो अच्छी चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो पॉइंट्स थे वो शेयर किए, होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है, एंड ये चीज़ दिखा, अच्छा जो चीज़ पर नाम दिया था वो दादा पोते के, मतलब कि काफ़ी मैंने कमेंट देखे जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आप जो है अपने फादर को सिर्फ टी वी और उसमें लगा के रख दो, आप उनको थोड़ा दीन की तरफ भी जोड़ो, ये चीज़ मैंने भी बहुत बार नोट करी, सिर्फ वो टी वी टी वी टी वी होते हैं, घर के अंदर होते हैं, टी वी देखते रहते हैं, वही चीज़ देखी गई है इनकी बार बार, तो इस चीज़ पर बहुत सारे लोगों ने सवाल निशान उठाया कि आप उनको थोड़ा सा जो है वो नमाज वगैरह की तरफ, ठीक है वो बैठ के पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो नीचे बैठ के या खड़े होकर पढ़ें, वो अगर बैठ के इशारों से भी पढ़ सकते हैं तो वो भी आप उनको करवाओ, ये सारी चीज़ें भी आप उनको अपनी ज़िंदगी पर लगाओ, तो ये चीज़ें भी लोगों ने काफ़ी मिस की हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि यार ठीक है आप जो है वो थोड़ा सा करो, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दो, मतलब कि सिर्फ क्या हाल चाल है ये नहीं, और जो है एक दादा दादी से तो बच्चों का अट्रैक्शन अलग ही होता है, तो वो था, और वॉच वगैरह भी ला के दी है पापा को, अच्छी चीज़ है, देखो शुएब ध्यान रखता है, कुछ भी कह लो शुएब बहुत अच्छे से ध्यान रखता है अपने माँ बाप का, वो ऊपर नीचे भले वो अलग रहता है लेकिन उसकी पूरी जो है वो ध्यान होती है, बाकी रिजा रेहान को काफ़ी जो है उसने निगलेक्ट कर दिया है, शायद वो सबा की वजह से हो गया क्योंकि सबा ने उसको पूरा अपने कॉन्टेंट के लिए रख लिया है, तो वो ये मगजमारी नहीं जाता, इसीलिए उसने हाथ खड़े कर लिए कि ठीक है भाई अब तुम जानो तुम्हारे काम जाना, क्योंकि जब माँ ही कुछ नहीं बोल रही है तो वो क्या कुछ करेगा, जाहिर सी बात है वो तो माँ नहीं है ना उसका, वो बगैर माँ बाप के तो बच्चे नहीं है ना, उनके माँ बाप जिंदा है माशाल्लाह, तो फिर ऑब्वियसली वो कोई लड़ाई तो कर नहीं सकता, तो ये भी एक क्वेश्चन था बार बार कि रिजा रेहान का ध्यान आप क्यों नहीं रखते, रिजा को क्यों नहीं आप देखते हो, रेहान को क्यों नहीं देखते हो, रिजा का इतना गंदा रिजल्ट आया, ये क्वेश्चन ये कमेंट्स भी जो है वो देखने को मिले हैं, खास करके रिजा के रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा, और बीच के दिनों में जितनी रिजल्ट रोल हुई है तो उस चीज़ को मुझे वाकई उस बच्ची के लिए बुरा लगता है, और मैंने अपने हर व्लॉग में कहा कि वो बच्ची बेवजह ट्रोल हो रही है सिर्फ और सिर्फ सबा की हरकतों की वजह से, वरना ट्रोल करना बनता नहीं है, ये नॉर्मली हर घर में चीज़ें चलती हैं, तो बहरहाल जो है वो जिस जब से सबा का रिजा का रिजल्ट भी जब से अनाउंस हुआ उसके बाद भी आपको कमेंट बॉक्स में बहुत मिल जाएगा सुनने को कि आप रिजा को देखो थोड़ा सा प्लीज़ उसका फ्यूचर बचा लो, ये बचा लो, क्योंकि मुझे खुद भी ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी है कि आज वो बोल रही है कि हर बच्चा अलग होता है हर बच्चे होते हैं, जब आपको याद हो जब रिजा रेहान जब तैयारियाँ कर रहे थे पेपर्स की सारी चीज़ें थी, वो अगर आप कुछ टाइम पहले के ब्लॉग्स देखने के लिए तो वहाँ सबा ने खुद कहा है कि रिजा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ये है रिजा के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, रिजा पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने उस बात को लपेट दिया,
तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। बहरहाल जवाब इसका किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उसने वही जवाब देना जो उसको देने, अपने मतलब पे जवाब वो नहीं देगी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।